अस्सलामुअलैकुम। मैं राहुल लंगाने गया और मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था। हाँ जी, पीछे मिले थे दो लड़के घोड़े वाले। मैंने पूछा कितना टाइम लग गया ऊपर, कहते हैं बस एक मिनट रहता है। 20 मिनट हो गए, एक मिनट नहीं गुजरा। ये भाई जिंदगी का आखिरी दिन है। हाँ हाँ। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं तो पहले ही कह रहा था ऊपर जाना सही है, तो वो डर गए काफी से। एक बार अगर बंदा डी ट्रैक हो जाए ना, वो बहुत मुश्किल से दोबारा वापस पहुंचता है। मैं तो एक बार हाथ खा लिया था। बाइक पंचर हो गया रास्ते में, अभी दुकान वगैरह नहीं थी, तो आइडिया आया दिमाग में ना कि सात दरख्त वगैरह थे। अच्छा। तो खोलने का सामान था हमारे पास टायर का, ठीक है, ट्यूब निकाल के ना हमने उसमें पत्ते भर दिए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट शमशावान। और मैं हूं मोहम्मद फायक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे, और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन आपको बताते चलें, बल्कि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, और अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप लोग जाकर घूम फिर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में बतौर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि उन्होंने 70 cc बाइक पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर किया। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको दावत दी है और उनसे पूछते हैं कि आखिर 70 cc बाइक पर ही क्यों सफ़र किया, और उनका सफ़र कैसा था, और पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्होंने विजिट किया। नहीं फाइक, ये भी साथ साथ पूछेंगे कि कम फाइनेंसिस में, मतलब आपके हमें ये होता है कि अगर हमें पैसे कम है, हाँ पैसे कम है, तो उसे किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपने फाइनेंस को सेट करना है, क्या प्लान बनाना है, तो ये भी पूछेंगे। ऑफ कोर्स हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नबील अहमद खान, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम नबील, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये शौक आपको किस तरह से आया कि बाइक पर आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जाना है और जाकर विजिट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। वेलकम। ये आइडिया मुझे शुरू से ही था, मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, खास करके मेरे वालिद साहब हैं, वो हमें घुमाने के लिए लेके जाया करते थे, तो हमें हर साल वो कहते थे आप छुट्टियों का काम, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, अच्छा, तो वो कहते थे जो जल्दी खत्म करेगा तो मैं सिर्फ उसको लेके जाऊंगा। आई थिंक हर पेरेंट्स की यही एक वो डिमांड होती है, बच्चों से डिमांड नहीं, लालच देते हैं, लालच देते थे, तो हम सारे ही ना जल्दी खत्म कर देते थे। अच्छा। तो हमें ज्यादातर वो कोयटा, कराची, मरी यहाँ लेके जाते थे बाइक पे, नहीं ट्रेन पे। अच्छा, ट्रेन छोटे होते थे। फिर जब हम बड़े हो गए भाई हम, तो फिर अब वो हमारे साथ बाइक्स पे जाना शुरू हो गए थे, तो फिर हमने बलूचिस्तान को एक्सप्लोर किया बाइक पे। अच्छा। ज्यादातर हम रखनी गए, फोर्ट मंडू गए हैं, ठीक है, तो ये सारा हमने बाइक पे सारा एक्सप्लोर किया हुआ है। अच्छा। और आप तब भी अकेले गए थे या फादर नहीं, के साथ? तब हम फादर के साथ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप बाइक पर सफर कर रहे हैं, तो आपके साथ फैमिली में कौन कौन होता है? मैं अभी लाहौर से जब मैं जाता हूँ तब मैं अकेला ही होता हूँ। अच्छा, अकेले जाते हैं? हाँ जी, आगे दोस्त नहीं होता? नहीं, एक दोस्त है मेरा इस्लामाबाद से, अब जब मैं गया था तो इस्लामाबाद से उसने अपने बाइक मुझे ज्वाइन किया था। अच्छा। फिर मैं आगे मरी, नथिया गली और कोहाला तक हम गए। चले नेक्स्ट, अगर आपने कहीं जाना हुआ तो बाइक के पीछे फाइक को बिठा ले जरूर। जी क्यों रिमशा, हम दो, आप ही हम दोनों को, हम दोनों कैसे बाइक पे पूरे आएंगे? हाँ, ये हो सकता है एक और बाइक हो, आप अपनी बाइक चला रहे हैं, ये ऐसे होगा। रिमशा भी अपनी बाइक साथ लेके, मैं भी लूं अपनी बाइक, लूंगा यकीनन आपके साथ सफर करेंगे। इस चीज का एक फायदा हुआ है जब मैं टूर करके आया हूं ये वाला, तो पहले मेरे कोलीग्स जो हमारे कोलीग्स हैं वो नहीं जाते थे। अच्छा। बाइक्स पे, वो कहते थे नहीं बाइक पे नहीं जाना, लेकिन अब मुझे देख के 4-5 जो मेरे दोस्त हैं कोलीग्स हैं, वो कहने लगे हैं कि हमें भी नेक्स्ट टाइम लेके बाइक पे जाना। अच्छा, इसका आपने बाइक ही क्यों चूज की, कोई और भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है कोई? उससे मजा नहीं आता इतना। अच्छा। एक जो मैंने नोट किया, अगर आप किसी गाड़ी में या बस में सफर करें, हाँ। तो आपको एक एंगल से पहाड़ नजर आते हैं। हाँ, हाँ, अगर आप सामने बैठे हैं तो सामने की नजर आएंगे। हाँ, लेफ्ट पे हैं तो लेफ्ट वाले, राइट पे हैं तो राइट के। बाइक पे हैं तो आपको 360 में पहाड़ी नजर आने हैं सारे, तो वो ज्यादा बंदा वो व्यू बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, बड़ी मुश्किल ही हो जाता है बाइक पे, मतलब अगर हम, मैंने एक जगह से लाहौर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बाइक पे सफर, तो मैं थक जाती है, इतनी ज्यादा कमर थक जाती है कि मतलब इंसान थक जाता है ना बहुत ज्यादा थोड़ी सी, तो आप इतनी दूर बाइक चला के जाते हैं, कभी थकन से नहीं हुआ कि भाई? नहीं, बस बाय नेचर ही है ये, शुरू से जब आदत होती है तो फिर बंदा कर लेता है। अच्छा। जो है बाकी अगर आप लंबे सफर पे जाएं, अपना सामान वगैरह साथ लेके जाएं, बाइक पे अगर आप बैठे हैं कोई नरम चीज, आप हो तकिया हो या कोई एक ट्यूब्स होती हैं जो हवा भरते हैं जिसके अंदर वो रख देते हैं, वो यूज कर लें आप। नबील, कहा जाता है बाइक एक सेफ सवारी नहीं है और इस पे बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं, तो घर वाले किस तरह परमिशन देते हैं कि आप बाइक लेकर चले जाएं?
इसमें भी एक स्टोरी है। अच्छा। शुरू में हम गए थे एक दफा ना फोर्ट मंथू, तो मैं अच्छा। नया नया बाइक चलाना सीख रहा था, तो मैंने अबू आके मैंने ना बाइक का एक राउंड लगाया। अच्छा। तो मैं राउंड लगाने गया और मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था बाइक से। हाँ जी बाइक से, बाइक भी नीचे गिर गया था, पहाड़ भी, मतलब मैं भी नीचे गिर गया, बाइक समेत ही नीचे। बाइक अच्छा। तो जब हम वापस आया तो मैं बाइक ही लेके आया सीधा करके ना उसको वापस अबू की तरफ, तो मैं जख्मी, हाथ वगैरह मेरे जख्मी थे सारे, तो वो परेशान हो गए उस टाइम तो। लेकिन मेरा जो भी था फर्स्ट एड वगैरह दी, अगले दिन उसी जगह पे अबू ने कहा दोबारा राउंड लगा के आओ, और अब गिराना नहीं है तुमने भाई। अच्छा। तो मैं गया था और दोबारा राउंड लगा के आ गया था, फिर आप सेफ एंड साउंड वापस आ गए, मतलब फिर उन्हें ये हो गया कि अब हमारा बेटा क्लियर जा सकता है। तो उनके दिल में ये था कि डर ना बैठ जाए, एक दफा गिरा कि ये चलाना ना छोड़ दे, खौफ को खत्म करना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात है, हम अपने बच्चों में खुद खौफ डाल देते हैं, कभी किसी चीज़ का, बाइक का, कभी हाइट का, कभी हम उन्हें कहते हैं कि ऊपर से देखो ना या पानी में ना कूदो, स्विमिंग खुद सेंसिटिव बनाते हैं अपने बच्चों को, खुद बना देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अपने बच्चों को हर चीज़ एक्सपीरियंस करवानी चाहिए ताकि वो लाइफ में हर काम कर सकें। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कि जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं, मतलब अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, कहीं धूप है, कहीं तूफान आ गया है, कहीं बारिश है, तो इसको जब आप कॉप अप करते हैं तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है हमें अपने साथ लेकर को बहुत सामान लेकर चलना चाहिए? बाइक का सामान तो मेन यही होता है, पंचर का सामान हो आपके पास। अच्छा। पंचर के लिए आपको हवा भरने के लिए पंप होना चाहिए, वो आज अच्छा। चलाए में है। हम जो डाटा केबल लगाते हैं उससे चार्जिंग से भी आपकी हवा भर जाती है आज के। अच्छा। हाँ जी, तो बाकी पंचर का सामान हो। इसके अलावा आपके पैराशूट होना चाहिए, वो जो प्लास्टिक कवर होता है अपने बैग पे डाल देंगे, बारिश हो तो अपना सामान आपका बच जाए। बाकी आपने पैराशूट जैकेट पहनी हो, ट्राउजर पहना हो ताकि आप भी गीले ना हो। ठीक, बाकी बाइक चल जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपने ड्रेसिंग करनी है वो आपने पैराशूट टाइप बाइक पे खासतौर पे करके जानी है जब आपने हिली स्टेशंस पे जाना है। जी जी सर। नबील, ये मुझे बताइए कि सफ़र आप बहुत सारे एरियाज़ का किया होगा, वो भी आपसे पूछेंगे कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आपने एक्सप्लोर किए, तो ये मुझे बताइए कि सफ़र के दौरान कोई ऐसा फ़नी वाक़या आपके साथ हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाक़या, कोई फ़न जिसमें हो थोड़ा सा? हाँ जी, फ़नी तो काफ़ी हैं। एक दफ़ा हम गए थे दोस्तों के साथ स्वेक ले घूमने गए हुए थे। अच्छा। तो ना मैं वहाँ पे हम ट्रैक पे कर रहे थे, क्योंकि पैदल जाना होता है वहाँ, अपनी गाड़ी वगैरह बाइक पार्क करके ट्रैक करना होता है, दो एक घंटे का ट्रैक है, डेढ़ दो घंटे का। तो मैंने वहाँ पे कहा कि पानी एक बह रहा था वहाँ से ना, जिस तरह पानी बह रहा होता है एक चश्मे की तरह, तो वो कह रहे थे पानी नीचे जा रहा है तो नीचे पानी जमा होगा ना वहाँ पे स्वेक लेक है। अच्छा, तो मैंने उनको कहा नहीं, पानी ऊपर से आ रहा है, ऊपर पे ऊपर लेक है जिस लेक से ना पानी नीचे जा रहा है। कन्फ्यूजन थी दोस्तों में। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो वो सारे हम नीचे चले गए, मन गए ठीक है चलो जहाँ कह रहे हैं तो वहीं चलते हैं। ठीक है। अब नीचे गए, नीचे कुछ भी नहीं था, पानी जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो वो फिर परेशान हो गए, मैंने फिर उनको डरा दिया, मैंने कहा इन्होंने मेरे साथ मेरी बात नहीं मानी, अब मैं इनको डराता हूँ। तो मैंने कहा ये भाई जिंदगी का आखिरी दिन है, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं तो पहले ही कह रहा था ऊपर जाना था। सही है। तो वो डर गए काफी सर। तो उसके बाद रास्ता भी खो गए होंगे? खो गए, हम वहाँ पे आवाजें लगाई उन्होंने काफी बुलाया। मैं भी एक बार गई थी और लिटरली वहाँ का ट्रैक इतना खतरनाक है, और एक बार अगर बंदा डी ट्रैक हो जाए ना वो बहुत मुश्किल से दोबारा वापस पहुंचता है। मैं तो एक बार हाथ खा लिया था। अच्छा नबील, कहाँ कहाँ पाकिस्तान में इतने स्वेक लेक तो हो गया और वो ऊपर है या नीचे, ये मैं आप कंफर्म करके बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है वो नीचे और आप कह रहे हैं वो ऊपर है, तो इसके अलावा कहाँ कहाँ आप गए हैं बाइक पे? बाइक पे मैं ज़्यादातर गया हूँ बलोचिस्तान वाली साइड। अच्छा। हमने डीजी खान, मुल्तान, रखनी, फोर्ट मंडू, ये जगह ज़्यादा देखे हैं बाइक। हिल स्टेशन पे भी सफर? हाँ जी, हिल स्टेशन। फोर्ट मंडू जो है ना साउथ पंजाब का हिल स्टेशन है, उसको मिनी मरी कहते हैं किस्म का ना साउथ पंजाब का। साउथ पंजाब को मिनी मरी कहते हैं? साउथ पंजाब, फोर्ट मंडरू जो है उसको साउथ पंजाब का मिनी मरी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी भी होती है सर्दियों में। अच्छा। गर्मियों में भी मौसम ठीक रहता है वहाँ पे, मरी की तरह ही मौसम होता है। अच्छा, तो वो आपके एरिया से कितनी दूर है? वहाँ पे 280 किलोमीटर है। अच्छा, 280 किलोमीटर है भावलपुर से। अच्छा, हमारे जो घर से। आप भावलपुर से बिलोंग करते हैं? अच्छा अच्छा, तो वहाँ से 280 किलोमीटर आप वहाँ पे भी जाते हैं फोर्ट मंडरू। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ गए? इसके अलावा लाहौर से मैं जो नॉर्दर्न एरियाज गया हूँ ये पहली दफा गया हूँ। अच्छा, ये पहली बार गए। आगे क्या प्लान है? सबसे खूबसूरत एरिया अभी तक कौन सा लगा बाइक पे गए तो बड़ा खूबसूरत लगा वो आपको एरिया? ये मुझे अब नथिया गली लगा है जो अच्छा। मैंने अब देखा है बाइक पे जाके। अच्छा। गिनरी है, दरख्त है काफी सारे। तो नबील प्लान है आगे वो गिलगित बल्तिस्तान तक जाने का? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बॉर्डर पे नेक्स्ट टाइम जाना है मैंने अगले सीजन में जब। तो क्या वो जो बाइक आप 70cc ही चूज करेंगे? वैसे तो पहाड़ों पे वो बाइक का चलना मुश्किल। 70cc इसलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं ना तो
40 50 से ऊपर तो गाड़ी जाती नहीं है आपकी, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी रख लें, कार भी रख लें, वो भी जब चढ़ाई पे चढ़ेगी 40 से 50 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो इसके लिए 70 बेस्ट है, वो हल्की सी होती है, वो चढ़ भी जल्दी जाती है, जोर नहीं लगता। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ और रास्ते में पंक्चर होगी बाइक, लेकिन पता चला जी आपके पास सामान भी खत्म हो गया पंक्चर लगाने वाला और आपके पास कोई पेट्रोल भी मौजूद नहीं है, ऐसा कभी कोई? हाँ जी, एक दफा हुआ था, घूमने फिरने गए थे हम पेरेंट्स के साथ, भाई वगैरह थे, तो बाइक पंचर हो गया रास्ते में, अभी दुकान वगैरह नहीं थी, तो आइडिया आया दिमाग में ना कि साथ दरख्त वगैरह थे, अच्छा, तो खोलने का सामान था हमारे पास टायर का, ठीक है, ट्यूब निकाल के ना हमने उसमें पत्ते भर दिए, अच्छा, पूरे टायर के अंदर पत्ते भर के उसको दोबारा फिट कर दिया, वो टायर जिस तरह होता है सख्त हो गया, उसको फिर हम लेके चले। नई चीज है रिमशा, मतलब ये वैसे मैंने पहले कभी नहीं सुना, कैसे हमें इससे पहले मैंने वाकई नहीं सुना था कि आप ट्यूब के अंदर पत्ते भर रहे हो, और वो क्योंकि ये काफी पुरानी बात है, तब सामान वगैरह इतना नहीं रखते थे साथ, अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर हमने सामान रखना शुरू कर दिया, घूमने फिर जाते हैं। फाइनेंसिस की बात करते हैं, अगर कोई बंदा जा रहा है बाइक पे खास तौर पर यहाँ से नथिया गली निकाले, तो कितने पैसे जरूरी है, कितने फाइनेंसिस जो हैं उसे मतलब कंपलसरी, जो कहते हैं ना मोटा मोटा खर्चा, वो कंपलसरी उसके पास होने चाहिए? 3 से 4 हज़ार रखना चाहिए जेब में कैश, बाकी तो अगर एटीएम वगैरह होते हैं, क्योंकि बैंक हर जगह पे हैं, तो वहाँ आप एटीएम से कैश कर लेते हैं, जो कैश हो वो आपके पास 3 से 4 हज़ार ही जेब में होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। और खाना कौन सा अच्छा लगा, किस शहर का, किस एरिया का? फूड जाते हैं, फूड स्पेशल मरी जो अब हम गए हैं, फूड लवर है वैसे? हाँ जी बिल्कुल, फूड लवर है, खुद पकाता भी हूँ मैं, अच्छा, कुकिंग भी करता हूँ मैं। मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, जो नबील है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, वो कुकिंग भी करते हैं, वो जाते भी हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है, मतलब परफॉर्मेंस किस साइड की? परफॉर्मेंस जो पीसी ऑफ द मंथ बनते हैं पंजाब सेंसिटिविटी अथॉरिटी में, हाँ बिल्कुल, पंजाब सेंसिटिविटी अथॉरिटी में जो एवरी मंथ जो है पीसी ऑफ द मंथ बनते हैं, जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस होती है पूरे मंथ की, और नबील 12 बार पीसी ऑफ द मंथ रह चुके हैं, मतलब अगर एक 12 माह लगा लो तो एक पूरा साल तो है वो तो नबील ही रहे हैं, तो नबील किसी और को भी पीसी ऑफ द मंथ बनने थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और अल्लाह पाक उन्हें और आसानियां दे और तरक्कियां दे, लेकिन वो बहुत अच्छा और आउटस्टैंडिंग काम कर। थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे शो में आए, आपने हमें टाइम दिया, आप अपने फाइनेंसिस का बताया, और आपने हमसे ये वादा किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तब हम भी इनके साथ जाएंगे, क्यों फाइट फिर बाद में मुकरना ना। हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन इमशा आपको अपनी स्कूटी लेनी पड़ेगी साथ, और वो फिर ही हम जा सकते हैं। चले, मैं स्कूटी नहीं है, मैं भी 70 लूंगी और उसे चलाना भी सीखूंगी, ठीक है, और फिर हम सब जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमें आपने ज्वाइन करना, तो आप भी हमें बताइएगा कमेंट करके कि आप में से कौन लोग जाना चाहते हैं और कौन लोग गए हैं बाइक पर इतनी दूर नॉर्दर्न एरियाज़ का और हिली एरियाज़ का विजिट करने। और इसके साथ ही साथ मुझे और फाइक को इजाज़त दीजिए। नहीं, सबसे पहले बताएं आप सब्सक्राइब किस तरह से करना है। हाँ जी, आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मुझे और फाइक को इजाज़त दीजिए, सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।